ये हमारे जिला पंचायत क्षेत्र कुदराहा द्वितीय के सेलहरा घाट पर निर्माणाधीन सेलहरा ठकुआ का पुल है, जिसकी हालात अभी यही है। और आप लोग देख सकते हैं कि पूरे जनपद में होर्डिंग लगवा करके जनता को गुमराह करने के लिए किस तरह से गुमराह किया। जो होर्डिंग में पुल का फोटो लगा है, वो पुल कहाँ का है? कुछ दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी एक फ्लाईओवर कलकत्ता से ला करके और एक कंपनी अमेरिका से ला करके अपने होर्डिंग में लगवाए थे। महादेवा विधानसभा के आदरणीय विधायक जी कहाँ से फोटो लाए हैं पुल का, हम इसकी स्पष्ट जानकारी लेना चाहते हैं। देखिए बताइए, ये पुल कितने दिनों से निर्माण हो रहा है? निर्माण तो भैया बहुत दिन से हो रहा था, मतलब चालू हुआ है, मतलब दीपावली यही आ जाएगा, साल भर हो जाएगा। अच्छा, तो क्या इस पुल से आप आ जा रहे हैं कि अभी? नहीं, अभी तो जरा अभी तैयार ही नहीं हुआ, तो आ जा कहाँ पाए। कितना काम हो गया इसमें? इसमें आधा काम है, आधा काम बाकी, आधा काम हो गया, आधा काम बाकी। अच्छा, एक ही बताइए, अगर ये पुल बन जाता है तो यहाँ कितने ग्रामीणों का फायदा होगा? अरे बहुत फायदा होगा भैया, इसके तो बुनियादम यहाँ इधर का जितना हुआ है क्या तो वही पार रहा। अच्छा, तो क्या ये मुख्यालय तक जाएगा ये रास्ता अगर यहाँ से निकल जाए? हाँ, काहे ना जाए। अच्छा, तो यहाँ कितने लोगों का इससे फायदा होगा? कई हजारों करोड़ों आदमी को फायदा होगा। अच्छा, यह पुल बनाते हैं। अच्छा, ये जब तक नहीं बना था तो आपको ज्यादा दूरी तय करना पड़ता था? बहुत ज्यादा, लालगंज जाए पड़ जात रहा, बानपुर जाए पड़ जात रहा, रात के नैया जो न लगा में रतिया ना उतारे तो उसके बाद में तब लालगंज कहीं नहीं सब घूम के आवक पड़े, बानपुर कहीं घूम के आओ रात समय, उसके बाद में रात अगर हो जाती है तो आने जाने बहुत तकलीफ होता है रात में। तो यहाँ से आपको सीधा पड़ता है? यहाँ से सीधा भी है। तो क्या पुल का काम पूरा हो गया कि अभी अधूरा है? अभी काम तो आधा नहीं हुआ है, अभी काम तो काम चल रहा है, बारिश की वजह से काम बंद पड़ा है। तो बरगराने का काम कर रहे हैं। अभी मैं गया था, तमाम लोग अपने साथियों के साथ चल रहा पुल पर, वहाँ पे मात्र 3 पावा बन के तैयार है और ऊपर की ढलाई हो रही है, और इन्होंने एक कचूड़े पुल है उसका पूरा फोटो लगा करके पूरे विधानसभा में, बनकटी से, देहीसांस से, कलवारी से, कुदरा में, पूरे विधानसभा में पोस्टर लगा दिया है कि सेलहरा ठकुआ जो मार्ग है उस पर जो पुल है वो निर्मित हो चुका है, उस पर आवागमन शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बनाकर आने वाले समय में वोट लेने के लिए काम अपना कर रहे हैं। विपक्ष में आप हैं, मुख्य विपक्ष की भूमिका आपकी है, आप लोग कैसे जनता के सामने सच को लेकर जाएंगे, विधायक के झूठ को? बिल्कुल, उसका मेरे पास तथ्य है, उस पर माननीय मंत्री जी का पैड है, और उस समय के पीडब्ल्यूडी मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी और तमाम अधिकारियों का उस पर स्वीकृत किया हुआ सिग्नेचर मेरे पास रखा हुआ है। बिल्कुल, पूर्ण रूप से हवा, वो हवा हवाई बिल्कुल चल ही रहे हैं, हवा हवाई विकास कर रहे हैं, हवा हवाई अपने आप को जनता के बीच में पेश कर रहे हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ। ये पूरा कोठवा पुल का निर्माण होगा जो, हाँ, ये विषय आपका बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि प्रश्न यह है कि लगातार ये पुलों का एक जो हमने जाल बिछाया है उस पर ये कहा जा रहा है कि ये पुल हमारे पिता ने स्वीकृत कराया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे पिता भी 2 बार सांसद रहे हैं। अगर इस तरीके से विकास के बारे में लोग बात करेंगे कि ये काम हमारे पूर्वजों ने किया है, तो मैं भी पूरे जिले के सारे काम को मैं गिना सकता हूं, और मैं कह सकता हूं ये सारे काम जो आज तक हुए सब हमारे पिताजी ने स्वीकृत कराया था। तो ये बहुत छोटा, ये बहुत छोटी मानसिकता का जवाब है, इससे मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं सेलहरा पुल पर फिर आ रहा हूं, सेलहरा पुल का काम दूरदर्श से चल रहा है, और जो हमारे होर्डिंग लगे उस पर आप जाके देखेंगे तो उस पर सारे कामों पर लिखा है कि गतिमान। तो ये सतत विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमेशा चलेगी, आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी।